सो गाइस फाइनली आज के वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोग के साथ ऐसा एक अर्निंग एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन को यूज करके गाइस आप लोग वेरियस टाइप ऑफ गिफ्ट कार्ड को रिडीम और विद्रॉ कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को यूज करके गाइस सिर्फ और सिर्फ आप लोग 10 रुपीज का गूगल रिडीम कार्ड को रिडीम कर सकते हो। उसके अलावा गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करके पेटीएम कैश, अमेजन गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड भी इजिली रिडीम और विद्रॉ कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के साथ इस ब्रांड न्यू अर्निंग एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाला हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है गेम टूसा। सिंपली गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूँ कि आप लोगों को गेम टूसा एप्लीकेशन पर किस तरह अकाउंट को क्रिएट करना है, किस तरह कॉइन को अर्निंग करना है, उसके बाद कॉइन को यूज करके आप लोगों को किस तरह वेरियस टाइप ऑफ गिफ्ट कार्ड को रिडीम और विद्रॉ करना होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आप लोगों को गेम टूसा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। गाइस जैसे आप लोग गेम टूसा एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, उसके बाद गाइस आप लोग को इस नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से गाइस आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा लेट गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, देन गाइस आप लोगों को लेट गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर अकाउंट को क्रिएट करना होता है। सिंपली गाइस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा कंटिन्यू विद गूगल एंड फेसबुक का ऑप्शन। सिंपली गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन पर गूगल अकाउंट साथ ही साथ फेसबुक अकाउंट के साथ इजिली अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस जैसे आप लोग गूगल अकाउंट के साथ अकाउंट को क्रिएट कर लो, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर को इनपुट करना होता है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर को इनपुट करोगे, उसके बाद गाइस आप लोगों को ओटीपी सेंड किया जाएगा। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पर ओटीपी को इनपुट करना है। उसके बाद फिर से गाइस आप लोगों को यहाँ पर रेफर कोड इनपुट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। देन गाइस आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर रेफर कोड को इनपुट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर रेफर कोड को इनपुट करोगे, उसके लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पर 1 रुपीज रिसीव होने वाला है। इसलिए गाइस मस्ट भी आप लोग इस एप्लीकेशन पर रेफर कोड को इनपुट कर लेना। सो गाइस नाउ वर्ट करने वाला हूँ कि आप लोगों को गेम टूसा एप्लीकेशन पर किस तरह कॉइन को अर्न करना होता है। सिंपली गाइस आप लोगों को गेम टूसा एप्लीकेशन पर कॉइन को अर्न करने के लिए थ्री डॉट मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा अर्न फ्री कॉइन का ऑप्शन, देन गाइस आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। सिंपली गाइस आप लोग अर्न फ्री कॉइन वाला ऑप्शन पर करोगे क्लिक, उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर कुछ ऑफर दिखाई देगा, जिस ऑफर को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए गाइस आप लोग को यहाँ पर कॉइन रिसीव होने वाला है। उसके अलावा गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन पर फ्रेंड को इन्वाइट करके ही अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। इस एप्लीकेशन पर गेस्ट पर फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए आप लोगों को 1 रुपीज रिसीव होने वाला है। इसलिए गेस्ट मैं आप लोगों को मस्ट भी इस एप्लीकेशन को फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए रिकमेंड सजेस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद गेस्ट आप लोग इस एप्लीकेशन पर गेम को होस्ट करके भी इजिली कॉइन को अर्निंग कर सकते हो। उसके लिए गेस्ट आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा प्लस का आइकन, सिंपली गेस्ट आप लोगों को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद गेस्ट आप लोग को नीचे दिखाई देगा अप्लाई फॉर होस्टिंग का ऑप्शन, सिंपली गाइस आप लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर मैच होच करोगे, उसके लिए गाइस आप लोगों को यहाँ पर कॉइन रिसीव होने वाला है। तो गाइस नाउ बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर फ्रेंड को किस तरह इनवाइट करना होता है। इस एप्लीकेशन पर फ्रेंड को इन्वाइट करने के लिए गाइस आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाई देगा थ्री डॉट मेनू का ऑप्शन, देन गाइस आप लोग इस थ्री डॉट मेनू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, देन गाइस आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली एप्लीकेशन का लिंक साथ साथ इन्वाइट कोड फ्रेंड के साथ शेयर करना होता है। अगर आपका लिंक से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद इनवाइट कोड को इनपुट कर लेगा, उसके लिए गेस्ट आप लोग को यहाँ पर 1 गोल्ड कॉइन रिसीव होने वाला है। सो गाइस मैं आप लोगों को क्लियरली बोल देना चाहूंगा कि 1 गोल्ड कॉइन इक्वल टू गाइस आप लोगों को 1 रुपीज रिसीव होने वाला है। एंड गाइस नाउ बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को इस एप्लीकेशन से किस तरह गिफ्ट कार्ड को रिडीम और विद्रॉ करना होता है। सिंपली गाइस आप लोगों को इस एप्लीकेशन से गिफ्ट कार्ड को रिडीम और विद्रॉ करने के लिए थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोगों को वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो गाइस जैसे आप लोग वॉलेट वाला ऑप्शन पर करोगे क्लिक, उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा रिडीम कॉइन का ऑप्शन, देन गाइस आप लोग को रिडीम कॉइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा कि इस एप्लीकेशन को यूज करके गाइस आप लोग मिनिमम 20 रुपीज का पेटीएम मनी को रिडीम और विड्रॉ कर सकते हो। फॉर इट गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मस्ट भी 20 कॉइन को अर्निंग करना है। उसके बाद गाइस आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज करके 10 रुपीज का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड भी रिडीम और विद्रॉ कर सकती हो। फॉर इट गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मस्त भी यहाँ पर 10 कॉइन को अर्निंग करना है। इस एप्लीकेशन को यूज करके गाइस आप लोग अमेजन गिफ्ट कार्ड भी इजिली रिडीम और विद्रॉ कर सकते हो। अगर आप भी 2020 पर रियल में बिल्कुल फ्री में गिफ्ट कार्ड को अर्न करना चाहते हो, देन गाइस मस्ट भी आप लोग इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो।